हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। इसमें आपको स्टाइपेंड अप टू 9000 पर मंथ मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन से डिसिप्लिन इसके लिए एलिजिबल है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि डीआरडीओ एएसएल यानी कि एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके और वीडियो को करो ज्यादा से ज्यादा शेयर ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते ही डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, इस अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन डीआरडीओ एएसएल यानी कि एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी की तरफ से आया है। ये बेसिकली एक डीआरडीओ का लेबोरेटरी है। तो फ्रेंड्स, ग्रेजुएट टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए पोस्ट निकल के आया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन से डिसिप्लिन इसके लिए एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, जिसमें फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। इसमें आपका अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और आपको स्टाइपेंड 9000 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, जिसमें फर्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। लास्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 3 साल का डिप्लोमा करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। इसमें आपका अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और आपको स्टाइपेंड 8000 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीबीटेक या तो डिप्लोमा 2018, 19 और 2020 में पास आउट किए हो तो ही इसके लिए एलिजिबल हो। जो लोग 2018 से पहले पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग हायर क्वालिफाइड हो यानी कि अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीबीटेक या तो डिप्लोमा का फाइनल ईयर पे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका बीबीटेक या तो डिप्लोमा में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है या तो रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है। क्लियरली इसमें मेंशन नहीं किया गया है। जितना मुझे लगता है कि आपका बीबीटेक और डिप्लोमा में जितना मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। अगर आप लोग उसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग रिटेन टेस्ट या तो इंटरव्यू या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह
वगैरह प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स यहीं पे आपका जॉब लोकेशन ASL हैदराबाद पे रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में, तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑनलाइन रखा गया है। आपको पोस्ट के थ्रू पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा और एप्लीकेशन करने से पहले आपको MHRD नेट्स पोर्टल पे जाके फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि जब आप लोग ऑफलाइन फॉर्म सेंड करोगे तो उस टाइम आपको MHRD पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है वो आपको सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आपको आपका रिज्यूमे का प्रिंटआउट करना है, और प्रिंटआउट करने के बाद उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आपको एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना है, और उसके साथ आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का जितना भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और फ्रेंड्स SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके अलावा MHRD नेट्स पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन प्रूफ है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आपको एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और एनवेलप के ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2021, आप लोग कौन सी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आपको मेंशन करना होगा। मेंशन करने के बाद आपको उस एनवेलप को इसी एड्रेस पे 23rd अक्टूबर 2021 से पहले रजिस्ट्री पोस्ट या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू पे सेंड कर देना होगा। तो फ्रेंड्स ये है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का डिटेल्स नोटिफिकेशन। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें आपका जॉब लोकेशन ASL हैदराबाद पे रहेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेड इसके लिए एलिजिबल है, तो फर्स्ट है फिटर वालों के लिए, जिसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग फिटर में से ITI करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के लिए, जिसमें अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में से ITI करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में से ITI करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 निकल के आया है। नेक्स्ट है टर्नर वालों के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग टर्नर में से ITI करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। नेक्स्ट है फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक प्रोसेसर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक प्रोसेसर में से ITI करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। इसमें आपका अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और आपको स्टाइपेंड 7,700 से लेके 8,050 पर मंथ मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और फ्रेंड्स अगर आप लोग आपका ITI 2019-20 और 2021 पे पास आउट किए हो तो ही इसके लिए एलिजिबल हो। जो लोग 2019 से पहले पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में, तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका ITI में जितना भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, या तो आपका रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू हो सकता है। क्लियरली यहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, बट एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा वो आपको ईमेल ID या तो SMS के थ्रू पे बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में, तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन करने से पहले आपको apprenticeshipindia.org पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, और फ्रेंड्स apprenticeshipindia.org पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो मेरे चैनल पे है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स apprenticeshipindia.org पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहां पे फाइंड एस्टैब्लिशमेंट करके एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको वहां पे सर्च करना होगा ASL एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। सर्च करने के बाद आपके सामने हर एक पोस्ट का डिटेल्स ओपन हो जाएगी, जिसमें आप लोग जिस भी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहां से अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट डेट के बारे में, तो फ्रेंड्स इसमें आपका लास्ट डेट रखा गया है 23rd अक्टूबर 2021। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स, में इस नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और फ्रेंड्स वीडियो को करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।